यार आप देख रहे हैं न्यूज 22 टुडे और इस वक्त हम गर्दनी बाग सुशासन बाबू की सरकार में हम पहुंच चुके हैं गर्दनी बाग में और दिखाते हैं गर्दनी बाग की तस्वीर। यहां पर सीटेट अभ्यर्थी का आज 20वां दिन धरना जारी है। सभी हथकंडे अपना लिए, भूख हड़ताल किए, भिक्षाटन किए, कैंडल मार्च किए, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई अधिकारी सुध लेने को तैयार नहीं है। आप लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण भी किए और रोड पर भी उतरे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई अधिकारी नहीं आ रहे हैं। अधिकारी भी आ रहे हैं, आश्वासन भी मिल रहा है और भी बहुत सारी प्रक्रिया हो रही है, लेकिन मुझे हैंड रिटन नहीं मिल रहा है। केवल आश्वासन तो 3 साल से मिल रहा था। हाँ, वही चीज मिल रहा है अभी भी, और पिछले 20 दिन से 42 डिग्री टेम्परेचर पर हम लोग बैठ रहे हैं। गर्मी देखिए, रोड पर हम लोग बैठ के आंदोलन कर रहे हैं और स्कूल में तमाम सीट खाली रहने के बाद भी सरकार तानाशाही रवैया अपनाई है। इस बार का आंदोलन करेंगे हम लोग, थोड़ा तरीका से आंदोलन करेंगे। सरकार का संगठन है, संगठन के साथ आंदोलन करेंगे और सरकार का जो प्रक्रिया है, जिस तरह से हम लोग को बहाल करें, नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आए, उस प्रक्रिया को अपनाने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। बिहार में एक सोनू कुमार के पीछे सभी मीडिया पड़े हुए हैं, अच्छा सभी नेता पड़े हुए हैं, बिहार का गर्दनी बाग में इतने छात्र आज का अगर अनुसार देखा जाए तो बिहार का जनगण आज के अनुसार देखा जाए तो लगभग 12 करोड़ जनसंख्या है। उस 12 करोड़ फैमिली में लगभग 2.5 करोड़ सोनू है। उसके पीछे कभी जाकर पढ़ के देखे कि कैसी स्थिति है, कैसी उसका दैनिक दिनचर्या और कैसे उसका बच्चा पढ़ता है। अगर विपक्ष के नेता क्यों नहीं जा रहा है? इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि यह एक राजनीति है। सोनू के पास लोग जा रहे हैं टीआरपी के लिए, और वैसा ही एक सोनू नहीं है। हमारा बिहार जो है हर साल 400-450 आईएएस देता है, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देने वाला बिहार है, और यही सोनू आगे चलकर आईपीएस आईएएस बनता है। उसकी प्रतिभा को कोई नहीं बताता है। उसकी जो प्रतिभा होती है प्राथमिक की 1 से लेकर 8 क्लास की शिक्षकों की, मैं तो तमाम बिहार के न्यूज चैनल से कहना चाहूँगा और बोलूँगा कि आप कभी समय निकाल कर बिहार के स्कूलों में जाइए। आपको ये हक है कि वहाँ के स्कूल के टीचर्स लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से पढ़ा रहे हैं और बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, कभी इस पर भी बात कीजिए, और कितना वहाँ का सीट खाली है कभी इस पर भी बात कीजिए। हम तो आपको बोलेंगे, आपके देसी बिहार चैनल के माध्यम से बोले, न्यूज 22 के माध्यम से भी बोलेंगे कि आपके साथ आप जाकर कभी वहाँ भी रिपोर्टिंग कीजिए। अगर यही टीआरपी का खेल चलता रहे तो क्या बिहार आगे बढ़ेगा? नहीं, बिहार देखिए, बिहार दो ही चीज़ में आगे बढ़ रही है, एक भ्रष्टाचार और दूसरा चीज़ है बेरोजगारी। दो ही चीज़ में आगे बढ़ रही है। आप यहाँ के कानून व्यवस्था देखिए, कानून व्यवस्था भी उतना ही खराब चल रहा है, और यहाँ का शिक्षा का हाल वैसा ही है। बिहार में केवल 8 हॉस्पिटल है जिसमें 12 करोड़ जनसंख्या है, 8 ही हॉस्पिटल है जो हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, बाकी सब तो दुकान खुला हुआ है। बात कीजिए सर, किस पे बात कीजिए? कोई भी, हम तो ओपन चैलेंज करते हैं कि कभी जदयू का प्रवक्ता बैठे, नहीं तो बीजेपी का प्रवक्ता मेरे साथ बैठकर बात करें, हम ओपन चैलेंज करते हैं उनसे। लेकिन तो वो तो आने के लिए तैयारी नहीं है? नहीं तैयार है, क्योंकि उनको पता है ना कि सामने हमने गलती कर रखा है, लोगों को बेरोजगार बना रखा है, तो वो बेरोजगारी का आलम उनसे देखा नहीं जाएगा ना। मैं तो प्रचंड प्रवक्ता जो है सवित पात्रा, मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ। कहाँ गए वो 15 लाख? कहाँ गए वो 2 करोड़ रोजगार? कहाँ गए 19 लाख रोजगार चुनाव के पहले? कहाँ गए हर घर में बिजली, हर घर में खुशहाली? कहाँ गए सब चीज? बिहार की बेटियाँ लगातार रोड पर उतरे हुए हैं 20 दिन से। मैं उसी सोनू नालंदा, मैं तो अब लगता है कि अब नालंदा जिला बोलना छोड़ दूँ, बोलूँ सोनू के जिले से ही। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगी सबसे, बच्चे सबके घर में होंगे ना, तो अगर बच्चा टॉयलेट करता है तो क्या उस अंग को ही हम काट कर फेंक देते हैं? नहीं फेंकते हैं ना, लेकिन ये गलती है, हम लोग को फेंकनी चाहिए, सीखना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री से। क्योंकि जब सोनू सरकारी स्कूल की बात किया कि सरकारी स्कूल में हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो हम कभी नहीं आईएएस आईपीएस बनेंगे, तो जब सरकारी स्कूल की बात हुई तो वो सीधे सरकारी स्कूल हटा ही दिए, वो सीधे केबीएस नवोदय में एडमिशन करवा दिए, ये नहीं देखे कि हम सरकारी स्कूल की हालात देखेंगे, हालात सुधारेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर स्कूल का दौरा किया जाए तो खिड़की कहीं विंडो में जाइएगा। ये बात है कि उनके उन्हें बातों पे हंसते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। सोनू बात नहीं बोला, वो थप्पड़ मारा है, पर उन्हें समझ नहीं आती कि सोनू 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 का वो टीआरपी क्या बटोरेंगे। वो उतना दिमाग ही नहीं उनके पास कि ये लोग खुद कानून बनाते हैं और खुद ही तोड़ते हैं। बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसके बाद बेटी को रोड पे बिठाओ। एक आपने सुना होगा, सब पढ़े सब बढ़े, तो उसे हटाकर अब ये भी रखना चाहिए, सब पढ़े फिर लड़े तो तब बढ़ेंगे आगे। लेकिन लड़ने से भी तो नहीं मिल रहा है। लड़ने से भी नहीं, इस दिन से लगातार बैठे हुए लड़ रहे हैं। हम लोग
सरकार तो सिर्फ आश्वासन दे रही है सर, और सिर्फ बहलाने के लिए कभी कुछ न्यूज, कभी कुछ 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 अधिकारी भी आते हैं, लेकिन उसे कोई खास रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हम लोग को फाइनली विज्ञप्ति चाहिए, सातवें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति चाहिए, और जब तक वो नहीं मिलेगा हम लोग धरना लगातार करते रहेंगे, चाहे रोड मार्च हो या कुछ भी करना पड़े, हम लोग लगातार उसमें लगे रहेंगे, डटे रहेंगे और आगे की ओर अग्रसर रहेंगे। आप देख सकते हैं कि धरना का आज बीसवां दिन है और लगातार सीटेट छात्र का आंदोलन जारी है। देखने वाली बात है कि अभी भी सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी किया जाता है कि नहीं किया जाता है। फिलहाल खबर में इतना ही, बने रहिए 22 टुडे के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।